नागपुर बना मर्डरपुर। नागपुर में नए पुलिस आयुक्त आने के बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू है। शुक्रवार को एक ही दिन में दो हत्याओं के मामले सामने आए हैं। पहली घटना दिन में तो दूसरी घटना रात में पैसों के विवाद के चलते हुई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विशाल उर्फ मटर वानखेड़े को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि लकड़गंज थाना अंतर्गत आफिक खान नामक व्यक्ति क्लब चलाता है, जिसके क्लब पर घटना के दिन मृतक नीरज भोयर और आरोपी विशाल उर्फ मटर वानखेड़े जुआ खेल रहे थे। इस खेल में नीरज भोयर पैसे हार गया, जिसके बाद आरोपी विशाल उसे पैसे मांगने लगा। पैसों को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद नीरज निकल गया। कुछ देर बाद नीरज घटनास्थल पर आकर बैठ गया, जिसकी जानकारी क्लब मालक आसिफ ने आरोपियों को दी। आरोपी विशाल ने अपने भाई नितिन उर्फ मेंटल वानखड़े और 6 से 7 आरोपियों के साथ मिलकर मृतक नीरज भोयर और जख्मी विशाल राउत पर हमला कर दिया। घटना के बाद नीरज की मौत हो गई, विशाल गंभीर जख्मी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल वानखड़े को गिरफ्तार किया है। काल रात्रि 8 वाजता ट्रांसपोर्ट लाइन भंडारदरा या ठिकाणी नीरज भोयर, विशाल राऊत आणि विलास उर्फ मटर वानखेडे या 3 मित्रांमध्ये पैशाच्या देवाणघेवाणीवरून भांडण झालेलं होतं। त्यानंतर हे तिघेजण देशपांडे लेआउट या ठिकाणी आले आणि देशपांडे लेआउट या ठिकाणी पुन्हा आरोपी विलास वानखेडे आणि त्याचे काही साथीदार यांनी नीरज भोयर आणि विशाल राऊत यांना फरशीने आणि धारदार हत्याराने वार करून गंभीर जखमी केले। या दोघांनाही पोलिसांनी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले आणि त्या ठिकाणी उपचार चालू असताना नीरज भोयर हा डेथ झालेला आहे। पोलिसांनी आम्ही त्यांच्यावर कलम 302, 307 या कलमाखाली गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये विलास वानखेडे यास आम्ही आता ताब्यामध्ये घेतलेला आहे आणि त्याच्याकडून इतर आरोपींची माहिती प्राप्त करून पुढील कारवाई आम्ही चालू केलेली आहे। लवकरच त्याच्या इतर साथीदारांची पण नावं निष्पन्न होतील, त्यांना ताब्यात घेऊन पुढील कारवाई आम्ही करून घेत आहे। बरोबर आहे, या प्रकरणामध्ये जो आरोपी विलास वानखेडे यास आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे, त्याचे काय गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे पूर्वीचे, त्याचप्रमाणे यामध्ये जो मयत झालेला आहे नीरज भोयर याचे पण गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे, तर ते रेकॉर्ड सविस्तर तपासून त्यांच्यावर अधिक कडक कारवाई करण्याची आम्ही तजवीज ठेवलेली आहे। नंदनवन पुलिस स्टेशन की हद में एक ही दिन यह दूसरी घटना है। पहली घटना में एक ट्रक मालक ने अपने ड्राइवर को बुरी तरीके से मारा, जिसके बाद उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इन मामलों में ध्यान बनाए रखी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार, BCN न्यूज नागपुर।